आमिर खान ने करीना की पप्पी ली थी गहराइयों से भाई की, सही बात है। और ये हम आपको बाहर का व्यू दिखा देते हैं, ये ले लो तक का व्यू। सुनते हो? हाँ बोलो दिवेश के पापा। कैमरा मैन से मैं गुजारिश करूंगा सामने फोकस करे जरा, फोकस करना है। फ्रंट कैमरा लगा, फ्रंट है तो बैक लगाओ बेटा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड इट्स मी सुजैन बादशाह हियर। सो गाइस, आज है हमारा मनाली में डे 5, लेकिन डे 4 का मैंने कुछ बनाया नहीं क्योंकि उस दिन हम थोड़ा बिजी थे एंड कुछ इंटरव्यू के लिए गए थे। सो डे 4 का नहीं है, डे 5 है आज। सो आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज हम जा रहे हैं बर्फ पे एंड अभी हमें कम से कम 150 किलोमीटर और ऊंचाई पर जाएंगे पहाड़ों पर। सो वहाँ चलेंगे एंड हाँ, कल रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, काफ़ी मस्त वेदर है एंड बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिरी है। तो आज मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। सो एक सेकेंड, बाहर आते हैं। ओहो लॉक है। तो भाई ये था व्यू कुछ, जो कि बड़ा शानदार व्यू है। एंड मॉर्निंग तो हमारी भाई ऐसी मस्त होती है, पूछो मत। एंड सामान देख सकते हो भाई, डेली देख रहे हो कैसे बिखरा पड़ा है। तो अब यहाँ से निकलते हैं। मैंने स्टैंड, बैग एंड ड्रोन सब चीज़ रेडी कर लिया है अपना। सो चलते हैं अब धैड़ पैड़ एंड इन्जॉय करते हैं। एंड आप भी इन्जॉय करो इस व्लॉग को। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, देखो ये आईडी आ गई है। सो फॉलो कर लो। हमारे सुजैन बादशाह भाई और हम आ चुके हैं अटल टनल। वही कैसा लग रहा संदीप भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है पाजी, यहाँ पे आके हमें मजा आ रहा है। फोटो खींचते हैं दो चार। बहुत तगड़ी फोटो खींचता है सुजैन बादशाह, एक भी ना सही क्या चीज। तो भाई ये जो व्यू आप देख रहे हो ना, ये है अटल टनल जो कि रोहतांग में है, ठीक है। एंड बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ पे, काफी मस्त है। एंड ये टनल आप देख सकते हो जो कि बहुत ही मस्त है यार, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड मैंने यहाँ पर काफ़ी मस्त रील निकाल ली है। और हाँ भाई, अगर मनाली घूमना आते हो अगर आप बाय द वे, तो यहाँ ज़रूर से आना। तो भाई ये है अटल टनल जो कि काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ का। एंड अगर आप मनाली आते हो तो भाई इस लोकेशन पर ज़रूर से आना, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। एंड अंदर देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। एंड अभी आपको बाहर चल के व्यू दिखा देता हूँ, जो कि पहाड़ियों पर काफ़ी मस्त बर्फ़ गिरी हुई है। तो यार मुझे ये व्यू जो काफ़ी शानदार लगा। सो अभी आप यहाँ देख सकते हो, एंड ये भी देख सकते हो आप बैक में। तो भाई मतलब हट के अगर आप भाई मनाली आ रहे हो तो यहाँ अटल टनल के पास जरूर से आना। अगर ये अगर आप मनाली है और यहाँ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं मनाली आने का। तो भाई यहाँ पे ज़रूर से आना, काफ़ी मस्त लोकेशन है यार, क्या ही बताओ। बाकी आप वीडियो में देख ही लो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ये गाइस थोड़ा कैमरामैन हल्का है।
लेकिन हम आपको ले लद्दाख की वो रिवर दिखाएंगे जहाँ पे जिसको भी हम देखेंगे, हाँ, जहाँ आमिर खान ने करीना की पप्पी ली थी, जहाँ उसकी नाक अटक गई थी, नाक अटक गई थी। हम बता दें आमिर खान को नाक नहीं अटकती चुम्मी लेते हुए, अगर उसको ट्रेनिंग लेनी है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करे। देखते रहिए ओनली ऑन संदीप शर्मा का ये चैनल। गाइस जैसा कि हमारे साथ जो लास्ट सोल वो जग चुकी, हम ये देखिए ये लाल लाइव हो चुकी है, ये लाश दावा करती है सुबह 4 बजे गाड़ी से चलने, लेकिन ये इसलिए कहती है ये चीज क्योंकि इसको तो बैठते ही सोना है, लेकिन जो गाड़ी चलाता है दर्द उसका है। आप हमारे इस दर्द को बहुत अंदरूनी से समझिएगा। गाइस आप समझ रहे हो ना, दिल की गहराइयों से भाई की सही बात है। और ये हम आपको बाहर का व्यू दिखा देते हैं, ये ले लद्दाख का व्यू, भाई साहब ओए रील बनाइए तो ले लद्दाख का, ले लद्दाख का फील आगा भाई। आमिर खान आने वाला है वीडियो बनेगा, ये देखिए ऊपर के पहाड़ गाइस, वीडियो तो ऑन कर लो, ये देखो वो बर्फ का टीला। अब लाइव तो कर दो, रिकॉर्ड तो कर दो उसे। वो देखिए आप बर्फ का टीला, सुनील शेट्टी आते बोले अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हारे पतंजलि से बिस्कुट लाया हूँ। ये रामदेव बाबा का पतंजलि स्टोर भी आने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे गाइस दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। गाइस योगा भी करेंगे आगे, योगा अभी हम आपको दिखाएंगे आगे अगले एपिसोड में। अभी ये एपिसोड बस मौज मस्ती वाला है, दूसरा योगा का। ओके गाइस प्लीज शेयर करें, फॉलो करें संदीप शर्मा को। आज से भाई यूट्यूब चैनल बना दे। अभी बता दूं गाइस, अभी हम चाय पीने के लिए एक स्टॉप पे रुके हैं, आगे हम मंजिल हमारी अभी बहुत दूर है, लेकिन हम पहुंच के रहेंगे गाइस वहां पे। आप बिल्कुल फिकर ना करें, हम आपको पूरा क्लिप एक साथ दिखाएंगे। ओके गाइस बाय बाय। जैसा कि अब बर्फ आइस माउंटेन का टीला आइस वाला अब हमारे बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, सटीक। अब हमारे यहाँ से गाइस ले लद्दाख भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं बचा है। आज सुनते हो? हाँ बोलो दिवेश के पापा। ये ऐसे ही ना मुझे बीच बीच में परेशान कर देते हैं। अपना चेहरा तो दिखा दो। ये हम अब यहाँ पे जैसे ही पहुँचेंगे गाड़ी से उतरेंगे नीचे, एक हमारे साथ, हमने आपको पहले भी जिक्र करा था, हमारे साथ एक लाश है। उस लाश का चश्मा है, उसके चश्मे पे हमें छोटे छोटे गोले बनानी है बर्फ के और उसके चश्मे पे मारनी है, उससे हम हर किसी को 100 रुपये का इनाम नकद रखेंगे, जाके खेलने में भी मजा आए
और गाइस हम दिखा दे कि आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ट्रक ही ट्रक है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा सामने फोकस करे, जरा फोकस करना है। फ्रंट कैमरा लगा, फ्रंट है तो बैक लगाओ बेटा। पहाड़ियाँ ऐसी लग रही है जैसे कि बर्फ की चादर से ढक चुकी हो। इंद्र भाई ठंडी है, बहुत ठंडी है। भैया कहाँ पहुँच गए हम? गाइस अभी बारालाचा पहुँचे हैं। ये एक पागल लड़की है जो बर्फ का गोला मार रही है। तो भाई अभी हमें पहाड़ियों पे, और भाई काफी मजा आ रहा, मतलब हट के देख रहे हो, बड़ा शानदार लोकेशन है। एंड अपने साथ हम एक हमारे इंद्र भैया हैं जो मनाली के लोकल हैं, वो यहीं पर रहते हैं, तो उन्होंने हमारी काफी मस्त मस्त फोटो क्लिक करी। एंड उनके पास एक कैमरा भी है जो कि निकॉन का D3300 है, और उसके साथ लेंस है 18-200, तो काफ़ी मस्त लेंस एंड काफ़ी मस्त मस्त फोटो आ गई है। सो सॉरी यार उसका मैं बिहाइंड द सीन नहीं डाल पाया, क्योंकि यार मेरे साथ कोई है नहीं रिकॉर्ड करने वाला, मैं अकेले हूँ, इसलिए मैं व्लॉग में अपना फेस कम दिखा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अभी बस आप इन्जॉय करते रहो एंड हमारे साथ ऐसे ही मनाली घूमते रहो घर बैठे, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा यार, तो लाइक कर देना ठोक के जल्दी से। और व्यू तो देख रहे हो बैकग्राउंड में, तो बड़ा शानदार व्यू है। अब ऐसे ही घूमते रहेंगे और जगह भी चलते, देखते क्या क्या सीन है सब व्लॉग में, देखते रहो। सो चलो इंद्र भाई सारा हैंड्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए क्या बोलना बता, बोल लो कुछ। खाली था। हेलो फ्रेंड्स, संदीप के फ्रेंड्स, सुजैन के फ्रेंड्स, हमें बहुत ठंड लग रही है, हम चाय पी चुके हैं, फिर कॉफी भी पी रहे हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, गाइस इतने में ये बात खत्म नहीं होगी, अभी स्टार्ट होगी। ये जो लड़की हमारे साइड में सो रही है ना, कर दियो रे, चार प्लेट ऑमलेट खा चुकी है, लेकिन मजा ले एक डेकार भी मारी हुई थी। और ये हमारे बड़े भाई इंदर भाई, ये बहुत ज्यादा कोल्ड उड़ा रही है, दिल खुश हो जाता है इनके साथ घूम के, लेकिन सुजैन बादशाह कैमरा ढंग से हैंडल नहीं करता। लेकिन गाइस हम आपको एक खुशखबरी दे दें, अगर आप लेह लद्दाख जाएं तो वहाँ बर्फ का सीन जरूर देखें, वरना कोई फायदा नहीं है आपकी यात्रा का। जब तक आपकी सफलता पूरी नहीं होगी, जब तक आपको आगे चलते चले जाना है, जहाँ मंजिल आ जाए वहाँ रुक के भी आगे जाना है। गाइस आप ऐसे ही देखते रहिए, मैं संदीप शर्मा, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका नितिन गुप्ता भी साथ में है। और ये सुजैन बादशाह, ये वो बादशाह नहीं है जो रैपर है, ये इसका नाम ही सुजैन बादशाह है, आप इसको उससे कंपेयर बिल्कुल ना करें। थैंक यू, नमस्कार। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।